देखिए दो चीज़ है कि क्रॉस वोटिंग तो हुआ है, और क्रॉस वोटिंग हुआ है तो कहीं ना कहीं सारे लोग एक दूसरे पे शक शंका का दृष्टि से, आला कमान का भी निश्चित तौर से कान खड़ा हो गया कि आखिर क्या कारण है कि क्रॉस वोटिंग हुआ। और 10-10 वोट कम नहीं होता है, 18 में से 10 वोट का क्रॉस वोटिंग होना निश्चित तौर से एक चिंता का विषय है। पार्टी आइडियोलॉजी, सिंपैथी या फिर व्यक्तिगत टर्म्स, ये तमाम चीज़ सामने आ रही है। बहुत सारे लोगों का ये निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि बहुत द्रौपदी मुर्मू जी का शानदार कार्यकाल रहा है, और झारखंड के चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे विधायकों को बाय नेम बाय फेस जान रही हैं, ये कारण हो सकता है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस के साइड से ही हुआ ये एक मामला है। तो लेकिन सारे लोगों ने तो आपका द्रौपदी जी को वोट क्लियर कर दिया था, कांग्रेस ही नहीं कर पाया था। तो इसीलिए 10 वोट जो गया, हो सकता है कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अनाउंस कर दिए कि उनको द्रौपदी मुर्मू जी को देना है, हो सकता है उसी में। तो ये तमाम चीज़ों पे कि आखिर कारण क्या है कि वोट अपने अपने तरीक़ों से लोगों ने उनको बताने का और संतुष्ट करने का प्रयास किया। दूसरा चीज़ रहा कि सत्र आ रहा है, ठीक है, जनता के बीच में 2024 में भी हम लोगों को जाना है, और जनता ये नहीं समझने को तैयार है कि कोविड काल या लॉकडाउन रहा था। जनता को डेवलपमेंट चाहिए, जनता को विकास चाहिए, और हर विधायक का विधानसभा का क्षेत्र अलग अलग भौगोलिक दृष्टिकोण से रहता है, तो निश्चित तौर से हर की ज़रूरत अपनी अपनी है। बहुत सारे लोगों को रोड पुलिया की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को रोड पुलिया, बहुत सारे लोगों को उनके ऑफिसर जो हैं ब्लॉक या जिला के ऑफिसर नहीं सुन रहे हैं, तो वो भी एक मामला है कि आखिर इन पे अंकुश कैसे लगाया जाए और जनहित में जनकल्याण में ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए दो चीज़ है, लोक कल्याणकारी सरकार है और चुनी हुई सरकार से के भरोसे ही जनता होती है। जनता को अगर ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे छोड़ दिया जाए तो ये ठीक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी शिकायत है लोगों का कि जिले के अधिकारी, प्रखंड के अधिकारी, प्रशासन, विधायक को कोऑपरेट कर कोई व्यक्तिगत अपने लिए कुछ मांगता नहीं है, जनता के लिए मांगता है। ये तमाम चीज़ लोगों ने अपनी बातों को जो उनकी जो भावना थी प्रभारी महोदय को बताने का काम किया है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर से एक एक चीज़ को नोट किया गया प्रभारी महोदय के, आप आने वाले दिनों में वो बात करेंगे कैबिनेट में के लोगों से, बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आप ऐसा क्या बताने में समझाने में सफल हुए, बन दिया नहीं पता, राजेश कच्छप ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया, आपसे ये सवाल हुआ था? नहीं, मुझे मैंने एक चीज कहा था कि मैं आइडियोलॉजी के साथ में निश्चित तौर से व्यक्ति को रहना चाहिए। आइडियोलॉजी हमारी है, हमारी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। आला कमान जो है निश्चित तौर से कुछ सोच समझ करके रणनीति बनाया होगा, और अगर थोड़ा मेहनत होता, अगर ठीक ठाक होता तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग भी जीत सकते थे, हमारी आइडियोलॉजी भी काम आती। तो हर विधायक चूंकि पार्टी फोरम से बंधा हुआ रहता है, अपने आइडियोलॉजी से बंधा रहता है, आइडियोलॉजी के साथ में। विचारधारा से कभी कभी सामने वाला का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा हो जाता है। सबकी सोच और सबकी मंशा अलग अलग होती है, हमारी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। पार्टी अब कार्रवाई करने की बात कर रही है, आप उन विधायकों पे आप चाहेंगे कि हो कार्रवाई? किस पे कार्रवाई होगी? आखिर कौन किया है, कौन किया है? क्या सारे महिला विधायकों ने किया है कि महिला उम्मीदवार सोच करके? क्या आदिवासी विधायकों ने किया है आदिवासी ये सोच करके? तो ये नहीं है, ये क्या जरूरी है कि महिला, अगर महिला किए हैं तो और पांच फिर कौन है? फिर अगर आदिवासी विधायक किए हैं तो और पांच फिर कौन है? तो ये तमाम चीज़ है भाई, किसी के ऊपर में हम एलिगेशन नहीं लगा रहे, गुप्त मतदान है, लोगों ने मतदान कर दिया है, हम किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आइडियोलॉजी के साथ में खड़ा रहना चाहिए।